बैक टू माई चैनल अंगनपुड़ी। और आप लोग सोच रहे होंगे इस टाइम मैं कहाँ पर हूँ, तो इस टाइम मैं जा रही हूँ रोहिणी के सेक्टर 12 की मार्केट, जो कि साई बाबा चौक के पास पड़ती है। मेरे साथ है सांगवी। हाय। और हम लोग अभी रिक्शा पर हैं, हमने इलेक्ट्रिक काम मुझे भी नहीं है, मुझे कुछ शॉपिंग नहीं करनी है। जैसा कि आप मेरी पहले फ्रेंड गीतांजलि से मिल चुके हैं, जिसने मेरा मेकअप किया था, वो गोवा जा रही है और उसके लिए हम लोगों को कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। हम इस टाइम पहुंच चुके हैं रोहिणी की D12 मार्केट में। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक हाई स्ट्रीट मार्केट है, छोटी सी मार्केट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। बट यहाँ पे लड़कियों के कपड़े तो काफ़ी अच्छी वैरायटी में मिल जाते हैं, जो कि आप नॉर्मल करोल बाग या सरोजनी में भी ले सकते हो। तो लेट्स सी हमें क्या क्या मिलता है। मुझे तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब स्पेगेटी स्टाइल और ऊपर से जैकेट है। ये मेरे पे इतना सूट नहीं करेगा, वो फिगर वाली बात हो जाती है। हम लोग दो दुकानें घूम चुके हैं, लेकिन गीतांजलि के हिसाब से कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि शी इज़ वेरी चूजी एंड पिकी। मैडम, आपको चाहिए क्या ये तो बता दो दर्शकों को अपने। शी डोंट नो, और सीरियसली शी डोंट नो कि उसे चाहिए क्या। वो अलग बात है कि उसको एकदम से कुछ पसंद आएगा तभी वो खरीदेगी। चलो कोई नहीं, गीतू के लिए टाइम निकाला है, तो लेट्स सी क्या ढूंढते हैं, क्या मिलता है उसको। अभी चाय के लिए अंदर गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें वो पसंद आ जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, हमने उसके लिए ये वाला सेलेक्ट किया है, और इसमें मतलब सेम यही कलर हम लेंगे, लेकिन वो दूसरा कलर ट्राई करने गई है, तो देखते हैं कि उसको कुछ पसंद आता है या नहीं। एज यूजुअल हम यहाँ से भी ऐसी जाएंगे। ये हम लास्ट शॉप पे जा रहे हैं, पूरी मार्केट देख चुके हैं, कुछ समझ नहीं आया है। तो ये लास्ट एक उम्मीद है हमारी, यहाँ से अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, वरना तो हम देखेंगे। हम लोग लास्ट शॉप भी ट्राई कर चुके हैं, तो हमारी गीतांजलि मैडम को कुछ पसंद नहीं आया है। और हम लोग हाय फ्रेंड्स, हम लोग घर पहुँच चुके हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप थक के शॉपिंग करके घर पहुँच रहे हो और आपको घर पर आके ये पता चले कि आपके जो छोटा भाई है वो किचन में घुस कर आपके लिए मटन बना रहा है, तो मज़ा ही कुछ अलग है ना। तो एक बार जान लेते हैं कि जो आज हमारे शेफ हैं वो बना क्या रहे हैं, लेट्स सी। हाय शेफ, व्हाट्स अप, आप क्या बना रहे हैं शेफ? शेफ वो आप अच्छा बनाते हैं, लेकिन खाली कुकर में चल रहा है, प्याज भून रहे हैं। अच्छा, तो क्या मटन सिर्फ मटन बन रहा है या मटन रोगन जोश? नाइस नाइस। तो आपको ये रेसिपी आती है या आप यूट्यूब पे देख देख के बना रहे हैं? पिताजी की सुपरवाइजिंग में बन रहा है। तो शेफ तो ज़्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन हम आपको मटन की शक्ल ज़रूर दिखाएंगे जब मटन रेडी हो जाएगा तब। ठीक है, तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। मटन रेडी हो चुका है, मैं आपको मटन दिखा देती हूँ। मटन दिख तो बहुत अच्छा रहा है, अब मुझे नहीं पता कि खाने में कैसा है, बट अच्छा दिख रहा है। हमारा मटन कुछ ऐसा दिख रहा है। खाने जाएंगे।